मंत्र अनुष्ठान चैनल के माध्यम से पुनः एक बार फिर जो विवाह का एक विषय चल रहा है बागेश्वर धाम, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके विषय में कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा कुछ श्याम मानो जी हैं उन्होंने कहा है, अन्य अन्य लोगों ने भी कहा है, उसी विषय को लेकर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं प्रेत, साइंस कहता है प्रेत नहीं होते हैं, ये सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। सोचने वाली बात ये है, देखो दो बातें, विश्वास से जब किसी चीज को आप देखते हैं श्रद्धा से तो वहां विश्वास दिखता है, श्रद्धा से देखने पर विश्वास दिखता है और अश्रद्धा से देखने पर अंधविश्वास दिखता है। आप धर्म को ही ले लें, अगर किसी भी धर्म को आप श्रद्धा से देखेंगे तो आप उसमें विश्वास देखेंगे, उसके गुण देखेंगे, और किसी धर्म के प्रति किसी ग्रंथ के प्रति आप अगर अश्रद्धा से देखेंगे तो उसमें अवगुण देखेंगे, अविश्वास देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेत जैसा कि वो उतारते हैं, प्रेत बता देते हैं, प्रेत बाधा का उपाय करते हैं, तो प्रेत अगर नहीं होते हैं तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत मिला था, बचपन में ये पढ़ाया जाता है, गोस्वामी जी को प्रेत मिला और प्रेत ने ही हनुमान जी का पता बताया, कि ये कहानियां क्यों, ये तो पाठ्यक्रम में भी बालकों को पढ़ाया जाता है क्यों। दूसरी बात, श्रीमद भागवत सत्ता ज्ञान एक कथा का आयोजन होता है, उसमें आचार्य जी पहले दिन ही धुंधकारी जो कि प्रेत बन गया था उसकी कथा सुनाते हैं, तो ये तो ग्रंथ कहते हैं, तो अगर प्रेत नहीं होते तो फिर ग्रंथ ऐसा क्यों कहते हैं। और ग्रंथ, ग्रंथ को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ग्रंथ स्वयं प्रमाण है, श्रुति परम प्रमाण, वेद स्वयं में प्रमाण है, वेदों में भी चर्चा है। तीसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो गोस्वामी जी जो दिग्दर्शी रखते हैं वो फिर क्यों भूतों की और प्रेतों की बात करते हैं अगर प्रेत नहीं होते। चौथी बात, गीता में भी भगवान ने प्रेतों को देवता कहा, तामसी देवता कहा, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो योगी योगेश्वर हैं वो गीता में प्रेत की बात क्यों करते हैं अगर प्रेत नहीं होते। इत्यादि अन्य धर्मों में भी कुरान बाइबिल ये कहती है कि प्रेत बाधा होती है और इससे उपाय होते हैं, तो प्रेत होते हैं। अब क्या अंधविश्वास है और क्या विश्वास है, इसको देखने के लिए भी बड़ी सूक्ष्म और पूर्वाग्रह से रहित दृष्टि होनी चाहिए। अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या विद्वेष से भरकर देखेंगे तो निश्चित ही आपको वहां नास्तिकता दिखेगी, अंधविश्वास दिखेगा। लेकिन लाखों की भीड़ होती है तो लाखों की भीड़ को आप ये नहीं कह सकते कि वो भीड़ चमत्कार या वो भीड़ जो है ढोंग, नहीं, भीड़ में भी लोग, लाखों की भीड़ में हजारों लोग जो ऐसे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो गुणग्राही होते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व को पकड़ने वाले होते हैं, तो लाखों की भीड़ होती है। तो अगर ये कह दिया जाए कि नहीं वो अविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये इस तरह की निरर्थक बातें जो करते हैं वो व्यर्थ है। जैसा कि एक बात आ गई जोशी मठ की दराने भरने की बातें, तो जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो अलौकिक सिद्धि है, तो अलौकिक सिद्धियां लौकिक दरारों को क्यों भरेंगी भाई, अलौकिक सिद्धियां अलौकिक दरारों को भरेंगी ना कि लौकिक दरारों को भरेंगी। किसी के भवन में दरार आ जाए तो ये अलौकिक सिद्धियां थोड़ी करेंगी, अलौकिक सिद्धियां लौकिकता की वो दरार भरेंगी जो आपको ईश्वर से दूर किए, जो जीव की दरार ईश्वर के प्रति है, अलौकिक सिद्धियां उस दरार को भरती है ना कि किसी मकानों की दरार भरती। तो इस तरीके के वचन, इस तरीके की बातें सुधीजनों को नहीं करनी चाहिए। पद का भी एक महत्व होता है, पद की गरिमा होती है, पद का ख्याल रखना चाहिए, और इस तरह की बातें निरर्थक हैं। प्रेत होते हैं और अगर प्रेतों का उपचार किसी तरीके से कोई कर रहा है वास्तव में तो वो सराहनीय कदम है, और अगर अंधश्रद्धा कहीं व्याप्त है इस तरह से तो उसका निर्मूलन भी आवश्यक है। इसका भी मैं प्रचार करता हूँ, इस बात का भी मैं आख्यान व्याख्यान करता हूँ, लेकिन प्रेत होते हैं, अगर कह दिया जाए कोई निरर्थक अंधविश्वास तो ये बातें गलत हैं। तो श्याम मानो की बात से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूँ, अंधश्रद्धा का निर्मूलन होना चाहिए, लेकिन अगर कह दिया जाए केवल बागेश्वर धाम के मांझ जी अविश्वास और अंधविश्वास फैला रहे हैं तो ये गलत है, सर्वथा गलत है। नमः गुरुवे, नमः गुरुवे, नमः गुरुवे।